जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने न्यूज होमगार्ड की तरफ। जन कल्याणकारी चैनल, अपना चैनल की सत्य और सही खबरों को ओर चलते हैं। महा भ्रष्टाचार के उसमें चलते हैं। आज मैं ले चलता हूँ सीधा आपको आगरा की तरफ। आगरा में संतोष कुमार जिला कमांडेंट, राजेंद्र प्रसाद, कई बाबू, एडीसी, कितनों ने होमगार्ड आगरा बहुत गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ये सब। और 1,24,800 रुपया कमांडेंट संतोष कुमार फर्जी मोहर, फर्जी साइन बना के 5 होमगार्डों के नाम पर इन्होंने सरकार के खजाना से निकाला। इनको खाली क्लीन चिट दे के छोड़ दिया गया। और उधर रामनिवास के होमगार्ड पर झूठा आरोप लगा के उससे भी 1,00,000 मांग रहे थे, नहीं जब दिया। उसमें जांच हुई, उसको 5-6 महीना बैठा ले रहे और निर्दोष हो साबित हुआ। और ये कमांडेंट और सबके खिलाफ जो सब ये दोषी मिले, इनके वेतन से काटने के, रामनिवास होमगार्ड 112 को देने के वेतन से काट के उनका वेतन जो 4-5 महीना बैठा रहे आदेश हुआ, अभी तक नहीं दिया। अब वो जांच ये वहाँ से सारे हटाए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं, किसी क्लीन चिट दी गई, किसी को चेतावनी देके और अब जांच जो चल रही है। मथुरा के कमांडेंट 20-20 होमगार्डों को अपने खर्चे से वहाँ मथुरा बुलवा रहे हैं। ये धमकी देके और उनसे बयान लिए जा रहे हैं। हम इसको नकारते हैं, इस जांच को उनके पक्ष में दिया जा रहा है। मैं घोर निंदा करता हूँ। और इनको किसी रिटायर्ड जज या पुर्तगाल 112 में, जैसे हमारे दरोगा जी इसकी जांच किए थे, शिवराम जी, उनको जांच दी जाए, ऐसे अधिकारियों को जांच दी जाए, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं होमगार्ड अधिकारियों के जांच से संतुष्ट हूँ, नहीं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ। ये जांच उनके पक्ष में लेते हैं, चोर मौसेरे भाई, ये उन्हीं के पक्ष में धमका के और यहाँ तक बयान ले लेते हैं, बयान कापी तक नहीं देते हैं। और मैं कहना चाहूँगा आगरा के होमगार्ड जवानों को 112, यदि आप लोगों ने ये अगर पक्ष में दिया सारे साबूत उन वैतनिक स्टाफ के खिलाफ हैं, यदि आप उनके पक्ष में देते हैं, तो आाप सोच लो सीधा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और भ्रष्टाचार का बढ़ावा और दे रहे हो। अपने भाइयों का गिराने का काम आप लोग करेंगे, इसलिए जो सत्य है अब आगे इसको मैं सोच लो, अगर आप लोगों ने दिया पक्ष में बयान तो मैं आगे इसको ले जाऊंगा, उसमें आप भी लपेट जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। जो होमगार्ड सत्य के साथ चलिए और सत्य अपने भाई का साथ दीजिए और इन अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों के हड़काने और बहकाने में मत आए। यदि आपको धमकियां दी जा रही तो तत्काल मुझे सूचित करें, मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सीधा रिपोर्ट करूंगा और इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी मैं इनको बहुत ऊंचाई पर ले जा रहा हूं और इनको जब तक इनके खिलाफ हम मुकदमा नहीं लिखा देंगे, हम बैठेंगे नहीं। 5 कमांडेंट है प्रदेश में, इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। तो आप लोगों से बारंबार मेरा निवेदन है कि आप धमकी में मत आइए,
धमकी में आएंगे तो अपना और अपने भाइयों का अनहित कराने का और कुछ नहीं करेंगे, और ये भ्रष्टाचारी किसी के नहीं है, आपके भी नहीं होंगे। यदि आप जो सत्य है, जो जांच आई है इनके खिलाफ, वही आपको बयान देना है, और नहीं यहाँ तो बयान दे दोगे, आगे हम आपको जरूर फांस देंगे और दोषी ठहरा देंगे, क्योंकि वो सब रिपोर्ट पूरी जांच और आरआई की सब कुछ मेरे पास है। इस पे हम जांच बैठलवाएंगे बाहरी, ये विभाग से नहीं, बाहरी जांच करवाएंगे, और सब कुछ साबूत इनके खिलाफ है। और अगर आप लोग बयान इनके पक्ष में देते हैं तो आप भी नहीं बख्शेंगे, हम आपको आपको भी इसमें फांस देंगे, हम ये सोच लेना, नहीं तो अपने ये भ्रष्टाचार के जो सत्य है वो सत्य बयान देना। और यदि आपको धमकाते हो कुछ है तो आप तत्काल उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अपने एसोसिएशन को सूचित करें, बैठा नहीं जाएगा और इन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि बकस रहे हैं तो ये बहुत अन्यायपूर्ण होगा। तो मेरा यही कहना है, ये 20-20 वहां से आगरा से मथुरा बुला रहे हैं, इनको बयान लेना चाहिए आके आगरा में, और बुला वहां रहे, वहां पर सभी वैतनिक भी अपने जो दोषी हैं बैठलवा के और उनको सामने बयान तोड़वाने का काम करेंगे। ये मैं ऐसी जांच को नकारता हूं और मैं ऐसी जांच को खंडन करता हूं, और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। विभागीय जांच ना से संतुष्ट हम नहीं है, कतई नहीं। ये बाहर के क्यों नहीं 112 प्रोटोकॉल में दी जाती है, जो सत्य सामने आ जाए। मैं विश्वास है वो होमगार्ड किसी अधिकारी को दिया जाए, हमें विश्वास नहीं। ये सब अपने वैतनिक स्टाफ का फेवर करके और बचाने का कार्य ये करेंगे हर संभव। तो इससे मैं कतई संतुलन, मैं इसको खंडन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय जवान, जय किसान।